आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल विद 100% एक्यूरेसी फॉर SSC CGL, MTS एंड CHSL अदर एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैं आपकी ये सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ में क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, और इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था आज आपको दो वीडियो मिलेंगे, तो आज ये दूसरा वीडियो है दिन का जिसमें हम बात करने वाले हैं पैरा जंबल्स के बारे में। और जैसा कि आप में से कई लोगों ने कहा था कि सर 2017 में आए क्वेश्चंस के पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो इस वीडियो में आपके CGL 2017 Tier-1, CGL Tier-2 2017 के पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी वीडियो में, और आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। इसके लिए आपको फेसबुक पर सर्च करना होगा @TrivediAman25, उससे मेरा फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा अमन त्रिवेदी ऑन टेलीग्राम, @AmanTrivedi आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप अगर डेली असाइनमेंट चाहते हैं 30 questions का, मैं डेली असाइनमेंट देता हूँ, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप aman.sscmentor पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप aman.sscmentor पर आप भेज सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो aman.sscmentor@gmail.com ये मेरा जीमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। तो बार बार मैं आपको ये बात स्लाइड दिखाता रहता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैराग्राफ जंबल या क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन करना। तो चलो बात करते हैं आगे। इसके अलावा आप मेरे ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप SSC ट्यूब को जानते हैं तो SSC ट्यूब की जो पूरी टीम है वो अभी अनअकैडमी पर आ चुकी है, तो SSC ट्यूब की जो पूरी टीम है वो आपके ये बैच है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस 2019, ये भी आपका डिस्कशन कर रहा है। इस बैच में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग की जो क्लास है इसमें होगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश फॉर SSC CGL 2019, ये कोर्स आपका शुरू हो रहा है 7 सितंबर से, ये 1 सितंबर से शुरू है। इसकी क्लास शाम को होगी 5 से 6:30 बजे तक, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये बैच चल रहा है जो कि CGL 2019 के लिए है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं वोकैबुलरी और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 16 अगस्त से 31 दिसंबर तक का ये बैच है। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर प्लस पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा अनलॉक योर 7 डेज ट्रायल। आप जैसे ही उसे अनलॉक करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे मंथली 12 महीने का ऑप्शन मैं आपसे चूज करने को कहूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, 5,000 रुपये का कॉस्ट है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा जो कि है अमन त्रिवेदी, जिस पे आप अप्लाई का क्लिक करेंगे, और आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, आप इसे अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ से आपको 10% और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है, 5,000 से घट के आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और ये 4,050 रुपये तक आपकी कॉस्ट हो सकती है इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी के क्लासेज आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2017 Tier-2 के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उनको लगाइए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ है आपके। देखिए कह रहा है वी मे सी अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ऑन स्ट्रीट एड्स एटसेट्रा कार्ड एटसेट्रा, बट वी नो द ट्रूथ इज अल्कोहल एंड सिगरेट आर हार्मफुल फॉर पीपल्स हेल्थ एंड समटाइम्स इट मे ब्रिंग बैड इफेक्ट्स टू सेल्फ इम्प्रेशन। अल्कोहल एड्स यूजली क्रिएट सेवरल फिंस टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंक्लूड पीपल टू ड्रिंक। ऑन द अदर हैंड द मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज स्मोकिंग एज कूल एज समथिंग कूल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो इस बात को। अगर आप ऑप्शन देखो, पहली चीज़ तो एक ध्यान से ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर आपका इस्तेमाल क्या हुआ है आपके साथ में, यहाँ बट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑन द अदर हैंड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड का मतलब हम पहले किसी जगह पर बात कर चुके हैं। ठीक,
इसके अलावा कहता है अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक, ये कह रहा है। अब अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से देखो तो आपको पहले ये देखना है ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन यहाँ पी से शुरू है, यहाँ पी से, यहाँ क्यू से, यहाँ आर से। अब अगर आप ध्यान से देखो क्यू में सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, बट से। बट क्या करता है, बट आपका होता है यूज कंट्रास्ट के सेंस में, जब आप कंट्रास्ट दिखाना चाहते हो। कंट्रास्ट का मतलब हो गया आप किसी से अगेंस्ट दिखाना चाहते हो, तो पहले आप इसके समर्थन में तो कुछ रखोगे तब ना अगेंस्ट रखोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री को एलिमिनेट कर देते हैं। आपने जब ऑप्शन नंबर थ्री एलिमिनेट किया उसके बाद आप देखो आर, आर में कह रहा है अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक। ऑन द, उसके बाद आर के बाद में इन्होंने एस लगाया हुआ है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज सम स्मोक शोज स्मोकिंग एज समथिंग कूल। ऑन द अदर हैंड यहां पर भी देखो एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर भी एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है और यहां पर भी एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। यहां पर कह रहा है कि स्मोकिंग लोगों को कूल दिखाने के लिए इंट्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से ये भी आपका किसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आपका अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल, इसके लिए कह रहा है। यानी कि पी आपका कैसा है, पी में आपके बात हो रही है एडवर्टीजमेंट के बारे में, आर में बात हो रही है एडवर्टीजमेंट के बारे में, एस में भी बात हो रही है एडवर्टीजमेंट के बारे में। अगर हम देखें क्यू में तो क्यू जो है आपका कह रहा है बट हमें पता है कि अल्कोहल और सिगरेट जो है लोगों के लिए हार्मफुल हैं और कई बार ये खराब इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं। यानी कि क्यू जो है वो पी आर और एस तीनों के अगेंस्ट में है, यानी कि क्यू कहाँ आना चाहिए, एंड में। अगर क्यू एंड में आएगा तो हम ऑप्शन इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये भी ऐड और ये भी ऐड है, तो एटलीस्ट आर और एस आसपास आएंगे, तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर टू। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, पहला और चौथा। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में, वी मे सी एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर ऑन टेलीविजन इन न्यूज़पेपर ऑन स्ट्रीट एड्स एटसेट्रा। फिर हम कहते हैं अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल दैट पीपल आर दैट अल्कोहल इज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर जो सेंटेंस नंबर जो पी है ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर ये जनरल स्टेटमेंट है और साथ ही साथ मैंने कहा आर एस में कह रहा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब स्मोकिंग, और इसके पहले हम अल्कोहल के एड के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि आर और एस जो है हमेशा एक साथ आएंगे। इसके अलावा पी कैसा है, पी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। अगर ये जनरल स्टेटमेंट है तो इसके पहले पी आ जाएगा, तो आंसर हमारा ये हट जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज पी आर एस क्यू। जनरल स्टेटमेंट ऐसा जिससे आपको दूसरे का लिंक जल्दी ना मिल रहा हो, ऐसा लगे कि एक सिर्फ एक बात कह दी गई है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। तो पी आर एस क्यू इज द राइट आंसर, दैट विल बी ए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप किसी भी सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, आपको अपने आप आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो, अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे बढ़ो, ठीक है। चलो हम देखते हैं, कह रहा इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम वॉट एवर कम्स फॉर द वेस्ट देन इट इज हार्मफुल, सम ऑफ इट्स बैग इफेक्ट। यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ है, इट का यूज हुआ है। इट्स बैड इफेक्ट्स आर रियली हेल्पिंग एंड पॉजिटिव एज इट इंक्रीजेज इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज प्रोवाइडेड taken in that spirit. At the same time, state's strategic intervention is essential because more than 40% of people live below poverty line. The impact of economic reforms are mixed. ठीक, अब ध्यान से देखिए सभी sentences में, यहां पर आपने use किया है it का। ये इट किसी का तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इट जो है किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्यू से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, वी हैव कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ो, अगर दो ऑप्शन यहां पर एस से शुरू हो रहे हैं और एक आर से, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी एस की ज्यादा है, 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने चौथा पहले ही डिलीट कर दिया। अब जब प्रोबेबिलिटी 1/3 हो रही है उसमें से एस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है,
एस की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हम एस वाला ऑप्शन पहले चेक करेंगे। कहता है द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड। ठीक, यहाँ पर इम्पैक्ट की बात हो रही है, इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट भी होता है। इफेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इट्स इफेक्ट मतलब किसके इफेक्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इफेक्ट, यानी कि पी एस का कनेक्शन किससे है, क्यू से। अगर एस का कनेक्शन क्यू से है तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड होगा। आगे देख लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड, सम ऑफ इफ इट्स इफेक्ट्स आर रियली हेल्पिंग एंड इट एंड पॉजिटिव एज इट इंक्रीजेज इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंट क्वालिटी प्रोवाइडेड टेकन इन दैट स्पिरिट। उसके बाद कहता है आपका इट इज इंटेंट, इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम वट एवर कम्स फॉर फ्रॉम द वेस्ट देन इट इज हार्मफुल। अगर ऐसा है तो ये हार्मफुल है। एट द सेम टाइम स्टेट्स स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इज इसेंशियल बिकॉज मोर देन 40% ऑफ द पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। आपको एक पेयर ढूंढना है और अगर आपको वो पेयर सही जगह पर मिलता है तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे हम इस वीडियो को आप बताइएगा कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड फिनोमिनन, इट रिक्वायर्स सम चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर सो दैट वेमेन कैन एंजॉय एज इम्पॉर्टेंट अ प्लेस एज मैन ऑक्यूपाइज। अनफॉर्चुनेटली देखो, मैं आपको धीरे धीरे, आप लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा वीडियो को पॉज करके, मैं आपको सीधे सीधे इसमें हाईलाइट करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। ठीक है, द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमिना, इट रिक्वायर्स सम चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर सो दैट वुमेन कैन इंजॉय एज इम्पॉर्टेंट अ प्लेस एज मैन ऑक्यूपाइज। Unfortunately, our customs and traditions conspired with her economic dependence to make her unimportant in our society. ठीक है, चलिए ये लीजिए, हो गया। ठीक, democracy in India can be success only when the Indian women are politically awakened. ध्यान से देखो, यहां पर political awakened आया, यहां पर Indian women आया। Moreover, they should be free to express their opinion, to act as they like, and to assert themselves in all departments of life. अब देखिए आप ध्यान से, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और मैं आपको एक बात सच सच बताऊं, मैंने ये वीडियो पहले अभी आपके लिए ये क्वेश्चंस को पहले सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने इन वीडियो में आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, पहली बार। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको जब इन क्वेश्चन को पढ़ा मैंने क्या कहा, पॉलिटिकल अवेकनिंग मिला, पॉलिटिकली अवेकनिंग और कहां पर आया, यहां पर पहले में आया इट रिक्वायर्स, इट मतलब पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात हो रही है तो ये तो यहीं पर डैमेज हो गया, तो इस वाले इट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को हटा दिया। कहता है अनफॉर्चुनेटली आर कस्टम्स कंस्पायर्ड विद हर इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू मेक हर अनइम्पॉर्टेंट इन आर सोसाइटी। हर का इस्तेमाल हो रहा है मतलब किसी वेमेन की बात हो रही है, और अगर हम प्रनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने पहले वीडियो जो पैरा जंबल का बनाया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैसे आप पैरा जंबल के पहले वीडियो की बात, पहले वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रनाउंस को आप कनेक्ट करते, प्रनाउन कब इस्तेमाल होता है, प्रनाउन यूज होता है जब आप एक सेंटेंस में एक किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहां हर का यूज हुआ है, यहां पर वेमेन का यूज हुआ है, इंडियन वेमेन का यूज हुआ है। ठीक है, अगर यहां वेमेन हुआ है, यहां दे हुआ है, तो यह बात तो समझ में आ रही है कि आर के बाद में ही क्यू आएगा, आर के बाद में ही एस आएगा, यह बात तो समझ में आई। और यहां पर आया है आपका नहीं, तो इसको तो आप छोड़ दो एक बारी, तो यानी कि आर के बाद में क्यू आएगा और आर के बाद में एस आएगा, तो आप डिलीट कर सकते हैं दिस ऑप्शन को। ठीक है, आर के बाद में एस क्यू रखा है, आर के बाद एस क्यू है, यहां पर पहले है, आप इसे हटा सकते हैं। दो ऑप्शन आपने हटा दिए क्योंकि इनमें आर के पहले क्यू एस आ रहा था, हमने दो ऑप्शन हटा दिए, हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। जब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं तो आपके एंड में यहां पर क्यू रखा है, तो हम यहां से एक तो श्योर हो गए और दोनों में ही एस क्यू रखा है, तो हमें क्या पता लग गया
कि पहले एस आएगा और फिर क्यू आएगा. मोर ओवर दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियन, टू एक्ट एज दे लाइक एंड टू असर्ट देमसेल्व्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ. Unfortunately, our customs and traditions conspired with her economic independence to make her unimportant in our society. तो एस क्यू का तो हमें पेयर मिल गया. अब हमें पता किसका करना है, आर और पी का. अब पी को देखिए, पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमेना. हमने पॉलिटिकल अवेकनिंग के साथ में क्या लगाया हुआ है, द लगाया हुआ है. यानी कि हम द पॉलिटिकल अवेकनिंग कह रहे हैं तो हमने इसको पहले कहीं इंट्रोड्यूस किया है. कहाँ इंट्रोड्यूस किया है, आर में इंट्रोड्यूस किया है. आर में कह रहा है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी सक्सेस ओनली वेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकेंड. और पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है वो एक आइसोलेटेड फिनोमिना नहीं हो सकता, इसको जरूरत है कुछ चेंजेस में सोशल स्ट्रक्चर में, जिससे कि वुमेन अपनी जगह अपने पोजिशन को ऑक्यूपाई कर सके और इंजॉय कर सकें. तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आपका, क्योंकि R पहले आ रहा है फिर P आ रहा है और SQ हमने पहले ही देख रखे हैं, तो आंसर आप इसे डिलीट कर दोगे, बचेगा ऑप्शन नंबर 4. तो आप एलिमिनेट कर करके आंसर पहुंच निकाल सकते हो. तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से आप इन्हें पकड़ेंगे. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं. वी हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, चौथा क्वेश्चन करते हैं. चौथा क्वेश्चन कह रहा है, नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द न्यूज views of a particular group in public. The only requirement is that the coalition partners, partner यहाँ पर आया, no partner आया, views in particular group, every coalition party, यहाँ पर भी coalition आ रहा है. एक second रुकिए जरा, एक काम करते हैं, इस वाले को यहाँ तक delete करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये coalition partner आया इस तरीके से. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एवरी कोएलिशन पार्टनर है, तो इसको भी ऐसे कर लीजिए. हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस. एक्सपीरियंसेस हैज नाउ शोन दैट कोएलिशन गवर्नमेंट कैन रन एज स्मूथली एज सिंगल पार्टी इन द एज एनी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट. तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अ कोएलिशन गवर्नमेंट आ गया है. ठीक, अब आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, कि देर इज समथिंग कॉमन इन क्यू आर और एस. क्यू आर और एस में कुछ कॉमन है, तो क्या ये एक साथ आएंगे, आना चाहिए इन्हें. ठीक, ऑप्शन देखते हैं, यहाँ क्यू से शुरू कर रहा है, यहाँ आर से, यहाँ एस से, यहाँ पी से. तो अगर हमने ये पता कर लिया कि शुरुआत किससे है, तो हमारा आधा समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, जरा ध्यान से देखो, कहता है एवरी कोलिशन पार्टी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन. The only requirement is that coalition partners have to stick to a code of conduct. ये क्या लिखा है, only requirement. What is the requirement is for? किसके लिए जरूरी है, requirement किसके लिए. No partner is expected to air the views of a particular group in public. Partner की बात आ रही है, यानी कि ये जो बात है, P जो है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, क्योंकि partner की बात हो रही है, पहले हम partner को decide करेंगे. S को देखो तो कहता है experience has now shown a coalition government can run as smoothly as any single party government. और जो उसके लिए only requirement है वो क्या है, कि coalition partners को एक code of conduct से जुड़ा रहना पड़ेगा, strict रहना पड़ेगा. यानी कि S के बाद में बेटा क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए. अगर किसी को लग रहा है कि कैसे मुझे पता लगा S के बाद Q है, तो समझो इस बात को ध्यान से. आपने कहा कि experience has now shown, experience से हमें यह पता लग गया है, कोएलिशन गवर्नमेंट भी उतना अच्छे से ही काम कर सकती है जितना कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट. और उसके लिए ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा ऐसा हो जाए. तो एस के बाद क्या आया, क्यू. अगर एस के बाद क्यू है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर एस के बाद क्यू है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन. तो आंसर हमारा क्या हुआ, दिस. समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान सवाल था, चूंकि ऑप्शन आपके काफी गलत थे, इसलिए आपने इस क्वेश्चन का जवाब बिना कुछ किए निकाल लिया. ठीक, अगले सवाल पर आते हैं. कहता है वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्ट बॉन्डिंग्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ. एज मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन. ह्यूमंस लिव out their life in the company of their family, friends, colleagues, superiors, even total strangers in buses and lifts. And brick by brick,
दे मस्ट एंड ब्रिक बाई ब्रिक दे मस्ट बिल्ड दियर रिलेशनशिप विद ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन ऑफ दियर रोड टू हैप्पीनेस. ध्यान से समझो यहां पर, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको यहां पर एक सेंटेंस मिला आर. आर में कह रहा था कि आपका ह्यूमंस लिव आउट दियर लाइफ इन कंपनी ऑफ दियर फैमिली फ्रेंड्स कलीग सुपीरियर्स इवन टोटल स्ट्रेंजर्स बस एंड दिस. एस में कहता है एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड दियर रिलेशनशिप विद ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर दियर रोड टू हैप्पीनेस. अगर यहां पर एंड से शुरू हुआ है तो ये बात तो क्लियर है कि एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि एंड आपका गलत है, यहां पर आपका पी हो जाना चाहिए. तो आप इसे हटा सकते हो. जैसे ही आप इसे हटाते हो आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं. तीन ऑप्शन में से एक सेंटेंस शुरू होता है आर से, एक क्यू से, दूसरा भी क्यू से. चूंकि मैंने कहा अब क्यू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हम क्यू की तरफ मूव करेंगे. क्यू में कहता है एज मैन इज नॉट एन आइलैंड इन टायर ऑफ इटसेल्फ ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन. तो क्यू कैसा सेंटेंस दिखता है, एक जनरल स्टेटमेंट हमें दिख रहा है. अगर क्यू एक जनरल स्टेटमेंट है तो उसके बाद आप देखो आर में कहता है ह्यूमंस लिव आउट दियर लाइफ इन द कंपनी ऑफ दियर फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स सुपीरियर्स इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेस एंड लिफ्ट्स. ठीक, वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश डेवलप. अगर हम क्यू के बाद एस की बात करें तो कहता है कह रहा है एंड ब्रिक बाई ब्रिक दे मस्ट बिल्ड. दे मतलब किसकी बात कर रहा है, दे मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब कहां पर आया है, ह्यूमंस. यानी कि अगर यहां ह्यूमंस है और यहां पर दे है तो इसका मतलब ये दे किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आर की तरफ. यानी कि आर के बाद में क्या आएगा, एस. आर के बाद में क्या आएगा, एस. तो आप इसे हटा सकते हो, इसे भी हटा सकते हो. आपके पास क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन. आपने देखा मैंने प्रोनाउन के बेसिस पर किया, ह्यूमंस लिव आउट दियर लाइफ इन द कंपनी ऑफ दियर फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स एंड ब्रिक बाई ब्रिक दे मस्ट बिल्ड दियर रिलेशनशिप. वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ. तो आंसर आपका क्या हो रहा है, क्यू आर एस पी इज द राइट आंसर, दैट इज फोर्थ इज द राइट आंसर. बात समझ में आई या नहीं आई, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट. ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगला क्वेश्चन जो पैरा जम्बल का है मैं आपको यहां पर शो कर दे रहा हूं. आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब मुझे बताइएगा कि क्या होगा. और अगले क्लास में मैं आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यहां पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा. इसके अलावा अगर आप डेली असाइनमेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो aman.sscmentor पर जाकर आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आप मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं तमाम बैचेस ले रहा हूं. मैंने आपको बताए भी थे कौन कौन से बैचेस हैं. और उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी. ठीक है, तो aman.sscmentor पर जाके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं. और आगे आपके अगर कुछ सजेशंस हैं, आपको मुझे पता है एक्टिव पैसिव और नरेशन का वीडियो देना है, वो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे के बाद में आपको मिल जाएगा. बाकी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराइए, मैं हाँ आपकी बात को जरूर पढ़ूंगा. इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल है तो आप aman.sscmentor@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा अगर बात काम की हुई तो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे अहेड. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा और बताइएगा अगर इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं. Thank you so much for watching this video. Have a very good day ahead. Bye-bye. Take care and have a good day. Thank you so much.